साथियों, एक वो दिन था और एक आज का ये दिन है। 10 वर्षों में ये यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है। ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था और यही बात उन्हें खास बना देती है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमें भी 4 बार भारत में उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आए थे, तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए थे। आप जानते हैं ये आभार किस लिए? आभार इसलिए क्योंकि वो जिस तरह यूएई में आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, वो जिस तरह आपके हितों की चिंता करते हैं, वैसा कम ही देखने को मिलता है। इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए वो सारे लोग घरों से बाहर निकल आए थे। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य है कि यूएई ने मुझे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इसे सम्मानित किया है। ये सम्मान भी सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि करोड़ों भारतवासियों का सम्मान है, आप सभी का सम्मान है। मैं जब भी मेरे ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलता हूं तो वो आप सभी भारतीयों की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो यूएई के विकास में आपकी भूमिका की तारीफ करते हैं। इस जायद स्टेडियम से भी भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के साथियों ने भारतीयों को अपने दिल में जगह दी है, अपने सुख दुख का साझेदार बनाया है। समय के साथ ये रिश्ता दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा और इसमें भी ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद की बड़ी भूमिका। आपके प्रति वो कितनी संवेदनशीलता से भरे हुए हैं वो मुझे कोविड के दौरान भी दिखा। तब मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं बिल्कुल चिंता न करूं, उन्होंने यहां भारतीयों के इलाज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए हर तरह के इंतजाम किए। उनके यहां रहते मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी।
मैं आप सबके प्रति उनका ये असीम प्रेम हर पल अनुभवता हूं। और इतना ही नहीं, जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हां कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। साथियों, भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले पहले अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को भारत की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडेंस डे पर भारत को स्पेस से शुभकामनाएं भेजी, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी है। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे बीच जो समझौते हुए हैं वो इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत और यूएई की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। साथियों, कम्युनिटी और कल्चर के संबंधों के मामले में तो भारत यूएई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मॉडल है। भाषाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है, ये भी मैं अपने अमीरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं।
अल हिंद बल इमारात, बी कलम अल जमान, बल किताब अदुनिया नकुत्व, हिसाब ली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बईना। अल हिंद बल इमारत हिया, सर्वतना अल मुस्तरा का, फिल हकीका नहनु फी बदैया साईद अली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है, अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा।